कुछ इस तरीके से बनता है पराठा। सर ये 50 मीटर की आपकी लड़ी है, ठीक है, ये पड़ेगी 195 रुपए। 195 की 50 मीटर। सो फाइनली पहुंच गए इन दोनों के पास। कैसा भाई? बढ़िया लग रही है। पहुंच गए इन दोनों के पास, जा रहे हैं चांदनी चौक। तो अभी लिया है मेट्रो से एग्जिट, गेट नंबर 1, लाल किला मेट्रो स्टेशन पे उतरे हम। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो आज आया हूँ मैं चांदनी चौक। मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा, आपको लाल किला देखने को मिल रहा होगा, मतलब पूरा घूमेंगे चांदनी चौक। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लेफ्ट पे जो हमारे बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, और कुछ ऐसा हमारा चांदनी चौक अब दिखता है। यार वापस धूप आ गई, अभी तक हम बड़े खुश हो रहे थे धूप नहीं आज, पर देखो एकदम से जैसी बोला उसके बाद ही यहाँ पे धूप आ गई। तो ये है अपनी भागीरथ पैलेस मार्केट, यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स मिलती है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये। तो आज हम इसी के अंदर जाने वाले हैं, बंटी को लेनी है अपने घर के लिए लाइट्स दिवाली के लिए। इस टाइम पे भी यहाँ पे काफी भीड़ है ना, इस टाइम पे भी यहाँ पे काफी भीड़ है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स, पूरा लाइट का ही मार्केट है। कितना? 3500 रुपए। यहाँ पे तो दिख भी अच्छी रही है ना, अंधेरा ये वाली 5 मीटर चाहिए। प्राइस बताना। 90 रुपये मीटर है वाली, गोल्डन वाली, और 1 साल की गारंटी है। अच्छा, सो ये वाली लाइट है 90 रुपये मीटर प्लस 1 ईयर वारंटी, अभी अच्छा प्राइस है, ज़्यादा ब्राइट है, इससे थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है। भैया अभी चला के दिखाएंगे। तो ये है ब्राइटनेस, ओ भाई आंखों पर लग रही है। तो सो भैया आप मेरे को रेट बताओ, ये जो नॉर्मल है कितने मीटर है? ये सर ये 50 मीटर की आपकी लड़ी है, ठीक है, ये पड़ेगी 195 रुपये। 195 की 50 मीटर, ओके। और बाकी उसके आगे? इसके आगे 40 मीटर
ये वाली 40 मीटर हो गई, 175 ठीक है। सो बाकी भैया इनकी वारंटी मिलती है कुछ? सर इसकी कोई वारंटी नहीं होती। वारंटी नहीं होती ठीक है। बाकी अगर जैसे नियॉन वाली मेरे को दिख रही है, नियॉन वाली का क्या रेट पड़ेगा? ये 550 की पड़ेगी। 550 और कितना मीटर है ये? ये 5 मीटर पूरा 5 मीटर है। कोई भी कलर ले लें? कोई कलर ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी यहाँ पे दिख रही है कुछ सीलिंग लाइट्स है, इनका क्या रेट पड़ता है? ये सीलिंग पीस टू पीस गारंटी 2 साल है इसकी। अच्छा, ये पड़ेगी आपको 250 रुपीज़ की। ओके, और बाकी छोटी वाली जो है ये 45 रुपये से चालू है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये भैया ने सैंपल्स लगा रखे हैं, यहाँ पे भैया के पास स्टॉक बहुत रहता है। और भैया बाकी ये इसमें बताएं, ये एलईडी है? एलईडी होती है। इनका क्या रेट है? ये सर आपको पड़ जाएगा ये 1700 का रोल दे देंगे। 1700 का रोल, 70 मीटर का। कोई भी कलर ले सकते हैं इसमें? कोई सा भी कलर ले सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे ओके, रेड ग्रीन का 100 रुपये प्लस है। 100 रुपये प्लस है ओके, 250 प्लस है। ओके ओके, कितने मीटर का बॉक्स है ये? सर 50 मीटर का है। 50 मीटर का, इसमें से हम ले रहे हैं यहाँ पे 10 मीटर। 10 मीटर प्लेस श्री राम मार्केट 18 53 बटा 5 नंबर है ठीक है। फ़ोन नंबर भी बता दो भैया एक बार। 9953068625 ठीक है। सो भाई आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं अपनी दिवाली की लाइट्स लेने के लिए तो इस शॉप पे आ सकते हैं। भैया ने मतलब रिटेल में यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल भैया ने यहाँ पे हमें स्पेशली बुला के बहुत अच्छे से ट्रीट करके रिटेल में भी हमें दिया है। सो ठीक है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। डिटेल्स भैया ने दे दी आपको शॉप की। भैया कितने के? 70 रुपये का चश्मा ट्राई कर रहा है बिन्नी। मेरे पे भी सब अच्छे लगते हैं। ले लो, सही लग रहा है तो। सो यार अभी निकल के आ गए हम भागीरथ पैलेस से, लाइट मार्केट से बाहर निकल के आए हैं। तो भीड़ हो रही है, बहुत भीड़ हो रही है यार। लिटरली मेरे को लगा नहीं था कि आज क्या है, मंडे है, मंडे के दिन भी इतनी भीड़ है यहाँ पे। सो बाकी ना एक दो बातें जो मेरे को लगी, प्राइस मेरे को जितनी शॉप्स में हमने पता किया, पहले तो रिटेल में मिल नहीं रहा था बहुत इजीली, बट जो भी है हमें मिला, हमने काफ़ी ढूंढा अंदर। मतलब एक तो बहुत भीड़ थी, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो अंदर भी मतलब बहुत ज़्यादा डीप चले गए थे। हाँ, अंदर भी हम बहुत अंदर घुस गए थे, मतलब गलियों में घुस गए थे। बाकी ना मेरे को प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं। ऑनलाइन जो मैंने देखा था कितना 380 रुपये का कुछ हमें 5 मीटर मिल रहा था, वो चीज़ यहाँ पे हमें 400 रुपये की मिल रही थी। तो फर्क नहीं पता चलता, ज़्यादा फर्क नहीं पता चला यहाँ पे, है ना, कि लाइट का फर्क नहीं, यहाँ पे लाइट का डिफरेंस पता चल रहा है। हाँ, यहाँ पे हमें पता चल रहा था कौन सी ब्राइट लाइट है और कौन सी कम ब्राइट लाइट है। तो इस चीज़ का हमें ब्राइट और लाइट वाली लाइट में मतलब प्राइस का डिफरेंस था। हाँ बिल्कुल। सो यार हमें ना मतलब यहाँ पे आके ज़्यादा खुशी हुई कि इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली, मतलब बहुत सारी लाइट्स देखी, डिफरेंट वैरायटी देखी। बट ना ऑनलाइन प्राइस और यहाँ के प्राइस में, रिटेल के लिए बता रहा हूँ मैं ये चीज़, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर होलसेल में लेना होता तो तब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, है ना, जब हमने होलसेल के रेट पूछे। होलसेल 50 मीटर, हाँ 50 मीटर एलईडी लाइट आपको मिल रही थी 1200-1300 रुपये ऐसे कुछ की मिल रही थी, बट बंटी को इतना लेना नहीं था, बंटी को 10-15 मीटर ही लेना था। सो अभी यहाँ पे लाइट ले लिया, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं कैमरा मार्केट जो है, फोटो मार्केट। चलते ना यहाँ पे गुरुद्वारा आ गया जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब चांदनी चौक देख के ना लिटरली ना लग नहीं रहा कि मतलब चांदनी चौक आए हैं यहाँ पे। भाई इतना अच्छा वेल मेंटेन कर दिया, शॉप सारी अंदर, और यहाँ पे कोई मतलब गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल रही, सिर्फ और सिर्फ रिक्शे चल रहे हैं, रिक्शे ही चलने को दिख रहे हैं, चलते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो चुका है ना, ये चीज़ मेरे को माननी पड़ेगी कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम करा दिया यहाँ पे। कैमरा मार्केट के अंदर ही जा रहे हैं, ये वाली फोटो मार्केट। सो गली के अंदर घुसते भैया, एक्शन कैमरा होगा DJI Osmo, क्या रेट मिलेगा GoPro 9? 32 विद बिल? सो अभी ना फोटो मार्केट से बाहर निकल के आए हैं, यहाँ पे हमने रेट लिए, मतलब Osmo एक्शन
DJI जो कैमरा है उसका, और बाकी GoPro 9 का जो रेट है हमने लिया, GoPro 9 हमें मैक्सिमम जो बोले 35,000 का पड़ेगा विद बिल के साथ, और जो DJI Osmo Action है वो हमें दे रहे थे 18,500 का, राइट, विद बिल दे रहे थे। सो मतलब समझ नहीं आया क्या करें, कौन सा ले दोनों में से। GoPro 9 था 35,000 का और एक जगह 32 का मिल रहा था, बट वो बिल नहीं दे रहे थे। सो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं क्या करें, आज लें या फिर थोड़ा सा और रिसर्च करके उसके बाद जाके हम लें। सो गाइज फाइनली स्पोर्ट्स कैमरा तो नहीं खरीदा, मेरे पीछे शॉप दिख रही है यहाँ पे गोडॉक्स आपको, तो उसमें से मैंने एक माइक लिया है लेवलियर और एक रिंग लाइट लिया है, टिकटॉक के लिए नहीं है, अपने यूट्यूब चैनल के लिए रिंग लाइट लिया है। सो ये बंदा बोल रहा था भाई तू टिकटॉकर बन गया। सो अभी ये दो चीज़ें हमने परचेस करी है, अब जा रहे हैं पराठे वाली गली, आगे दिखाते हैं पराठे वराठे खाएंगे, भीड़ काफ़ी हो रही है यार, अब जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना भीड़ बढ़ती जा रही है। ये माइक मैंने लिया है, कॉलर माइक है, घर पे जो भी शूट करेंगे अब से, सोच रहे हैं रेगुलर व्लॉग्स अपडेट करने का तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करिए ना, अभी 4 बज रहे हैं तो भीड़ ज़्यादा होती जा रही है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। सो टैनिंग हो गई मस्त वाली, हाथों पे टैनिंग हो गई, फेस पे टैनिंग हो गई, तो बाकी अभी हम पराठे वाली गली जा रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है, पहले हमें खुद मिल जाए। भी ले। सो ये है वर्ल्ड फेमस पराठे वाली गली। कौन सी पराठे वाली गली? सो गाइस ये है वो इंडिया की वर्ल्ड फेमस चांदनी चौक पे पराठे वाली गली, यहाँ पे जहाँ हम आ रखे हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा है, पर यहाँ का मैंने सुना है टेस्ट अच्छा होता है, लस्सी मलाई वाली लस्सी। ये है वो पराठे वाली गली, यहाँ पे जितनी दुकान है यहाँ पे सब पे पराठे वगैरह और लस्सी वगैरह मिल ही रहा है। सो फाइनली हम शॉप के अंदर हैं, यहाँ पे पराठा वाली गली और 1875 से ये शॉप है, यहाँ पे मेरे को फोटोज़ देखने को मिली, यहाँ पे रणवीर सिंह आ रखा है और बहुत सारे फेमस लोग आ रखे हैं, इम्तियाज अली आ रखे हैं, उन्होंने फोटो भी लगा रखी है, ज़्यादा टाइम में दिखाऊंगा आपको फोटोज़। बाकी अभी हमने ऑर्डर करा है एक पनीर चीज़ पराठा और एक आलू पराठा, बाकी टेस्ट बताते हैं कैसा टेस्ट आएगा यहाँ पे। सो अभी ऑर्डर आने का तब तक हम वेट कर रहे हैं अपना। नाइस, तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना फोटो, ये रणवीर कपूर और इम्तियाज अली है वो तक यहाँ पे आ रखे हैं, मतलब ये इतनी फेमस है। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया है, ये हमारा है चीज़ पराठा जो मेरे को टाको की तरह लग रहा है, बाकी नीचे है आलू पराठा। यहाँ पे यार घर पे जैसे पराठे बनाते हैं ना उससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मेरे को, पर भाई अच्छा लग रहा है, इसके अंदर चीज़ भरा हुआ है और ये सारा यहाँ पे ग्रीन चटनी है, एक हमारे पास चीज़ पनीर है ना, हाँ एक ग्रीन चटनी है, आलू की सब्ज़ी है और ये भंडारे में जैसे आलू की सब्ज़ी मिलती है बहुत टेस्टी होती है वो है, और ये लाल चटनी भी है यहाँ पे, बाकी हमारे साथ है यहाँ पे खीरा। तो अभी खाते हैं, अभी नहीं कैसा लग रहा है, अच्छा हो रहा है, बंडी ट्राई कर। ठीक है, तो हमने सिर्फ दो ही पराठे ऑर्डर किए थे, एक ये चीज़ पराठा और एक आलू पराठा, ट्राई करना चाहते थे कि जितना फेमस ना हो उतना फेमस पराठा है, थोड़ा ब्लॉग करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि शोर ज़्यादा हो रखा है यहाँ पे, तो अभी हम खाने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कुछ इस तरीके से बनता है पराठा, वहाँ पे आटा गूंद रखा भैया ने बहुत सारा और यहाँ पे तल रहे हैं इसे, नहीं इसने कैमरा घुस जाएगा अभी। सो ये वाली शॉप थी जिस पर हम बैठ के पराठे का क्या है, सो दो पीस दे दो इन्हें दो। सो नान खटाई बिन्नी को बहुत पसंद है तो ये भी ट्राई कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं पराठा खाने के बाद एक जलेबी की दुकान, यहाँ पे बहुत फेमस है ना, कितनी पुरानी है मतलब बहुत पुरानी, 100 साल से ऊपर, मतलब इतनी पुरानी एक जलेबी की शॉप है यहाँ पे, तो हम वहीं जा रहे हैं, जलेबी खाएंगे ट्राई करेंगे, सुना है बहुत मोटी मोटी जलेबी होती है, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे ऐसे सूट लहंगा और मतलब शेरवानी कोट वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पे, लड़कियों के लिए गर्ल्स के लिए एसेसरीज मिल जाएंगी, लहंगा मिल जाएगा, मेरे को तो यार बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो घर का हाउस होल्ड यूज़ के लिए भी सामान है, यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा ऐसा करके आप देख सकते हो। ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे देख रहे होगे गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पे पानी भी डाल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मैं तो खुश हूँ यहाँ पे आके, पहले कितनी भीड़ भाड़ होती थी, भीड़ भाड़ अभी भी है बट ना अब पैदल चल सकते हो फ्रीली, पहले यहाँ पे आपको
गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता था, बहुत हच पच हो जाती थी। बट अब जो है ना बिल्कुल फ्रीली घूमो, पैदल घूमो, सब यहाँ पे पैदल घूम रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी कि ये रिक्शे वालों के लिए, सबके लिए मतलब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई। पहले यहाँ पे ई रिक्शा ने इनकी जगह घेर ली थी, बट यहाँ पे सिर्फ पैडल वाले रिक्शे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा हो गया है, अब ये अर्न कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे हर एक दुकान पे भीड़ दिखेगी आपको, है ना। तो यहाँ पे हम राम लड्डू खा रहे हैं, हम बिन्नी गए राम लड्डू। हाँ, ये जो हमारे पीछे है गुरुद्वारा शीशगंज, और उसके सामने बिल्कुल ये शॉप है। तो ये है वहाँ पे यहाँ का बहुत फेमस ऑल्ड फेमस जलेबी वाला, आपके फेमस जलेबी वाला 1884 से मानना पड़ेगा यार, 1884 से यहाँ पे शॉप है यार। यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ हो रही है, और पता नहीं मेरे को तो वही समझ नहीं आ रहा कितनी लेनी है। हाँ, 100 ग्राम जलेबी 50 रुपये मिनिमम जलेबी, विद रबड़ी 75। मतलब तो फाइनली बड़ी देर के बाद हमें मिली है जलेबी हमारी। ये बंदा मेहनत करके लेके आया है। बहुत भीड़ है यार वहाँ पे ना, उस दुकान पे काफ़ी भीड़ लग रही है। तो 150 साल ये कितने 50 रुपये की है ना, 50 रुपये का कितना ग्राम था, 100 ग्राम 50 रुपये की 100 ग्राम हमें जलेबी मिली है, मिनिमम ऑर्डर इतना ही है। और इसके साथ अगर हमें इसके ऊपर रबड़ी डलवानी होती तो 75, रबड़ी डलवाने के लिए टोटल प्राइस पड़ता 75 रुपीज़ का, 50 ग्राम हमारी जलेबी होती है और उसके ऊपर रबड़ी डलती है 75 रुपीज़ का। बिन्नी ने थोड़ी सी पैक करवाई है घर के लिए, बाकी अभी खाते हैं, खा के टेस्ट बताते हैं। अब पकड़ो ना यार, मुझे चुस्की लेनी यार, चुस्की कहाँ लेके आई उन्नी। अरे चुस्की मिली है। ओ भाई टेस्ट है एपिक, बहुत टेस्टी हो रही है। चांदनी चौक आओ तो ये तो जरूर ट्राई करना, अब तो मैं बोलूँगा आपको, इतना सा पीस खाया बहुत टेस्टी है। तो आप यहाँ पे आके ये भी ट्राई कर सकते हो, खा सकते हो। तो गाइस हम खाते हैं जलेबी, इसके बाद सीधा घर ही चलेंगे, फ़ोन में बैटरी खत्म हो गई है, अभी चलते हैं फिर मेट्रो से जाएंगे जैसे आए थे, मिलते हैं आपसे घर पे। सो फाइनली घर आ गया यार, बहुत थक गया चांदनी चौक में, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सो थक गया बहुत। तो ये जो मैं रिंग लाइट लेके आया हूँ डिजिटेक, और ये जो मैं लेवलियर माइक्रोफोन लेके आया हूँ, इसके बारे में तो मैंने YouTube में काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं, काफ़ी अच्छा सुना है इसके बारे में, तो आई होप मेरे लिए भी ये अच्छा ही काम करेगा। बाकी ये रिंग लाइट ये मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ इतनी बड़ी वाली, इससे पहले मेरे पास छोटी वाली थी, ये मैंने लिया है ताकि घर में जो इंडोर शूट करेंगे उसमें अच्छी क्वालिटी आए और लाइट फ्लक्चुएट ना करे, सो इसीलिए मैंने इस पर इन्वेस्ट करा है। बाकी इन दोनों के जो प्राइसिंग है और इनकी जो क्वालिटी है वो मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना, जल्दी ही बनाऊंगा, टाइम नहीं लगाऊंगा इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये मेरे को खुद भी यूज़ करनी है और यूज़ करके ही मैं आपको इनके रिव्यूज़ दूंगा, अच्छे या बुरे जैसे भी रिव्यू होंगे इसके। और बाकी गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना वीडियो को, आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एंड करते हैं, बस मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा, देन आप ये व्लॉग देख पाओगे नेक्स्ट डे। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग पे, बस एक लाइक ज़रूर करना और अपने कमेंट तो बहुत ज़रूरी है, कमेंट देना, कमेंट ज़रूर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।